हाय बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेटफॉर्म एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बहुत ही कॉमन से टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम से लेकर हर एग्जाम के लिए अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देखते भी हैं, यहाँ आपकी बात हो रही है विक्टर मेयर टेस्ट और ल्यूकास अभिकर्मक की। हम इन दो चीज़ों पर आज बात करेंगे और आपके लिए मजेदार वीडियो होगी। तो चलते हैं, हम बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट क्या है। तो पहली बात समझ लीजिए, विक्टर मेयर टेस्ट की ही बात करें तो आपको बता दें यह एक एल्कोहलिक टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? एल्कोहलिक टेस्ट, मतलब यह विक्टर मेयर परीक्षा हमें यह बताता है कि कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है। एल्कोहलिक टेस्ट कहते हैं हम विक्टर मेयर टेस्ट को। विक्टर मेयर टेस्ट का को हमने आपको बताया कि कैसा टेस्ट है, एल्कोहलिक टेस्ट, मतलब एल्कोहल की प्राइमरी एल्कोहल को बताता है, सेकेंडरी एल्कोहल को बताता है और टर्शियरी एल्कोहल को बताता है कि कौन सा एल्कोहल है। ऐसा होता है कि टीचर आपको क्या करता है, एल्कोहल थमा देता है और कहा जाता है कि सपोज यदि एल्कोहल है, आपके पास तीन परख नलियां दी गई हैं इस प्रकार, और तीनों परख नलियों में भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल भरे हुए हैं। किसी में प्राथमिक एल्कोहल है, किसी में सेकेंडरी एल्कोहल है, किसी में टर्शियरी एल्कोहल है, और पूछ लिया जाए कि आप टेस्ट करके बताइए कौन सा एल्कोहल इसमें है। तो हम सबसे पहले कौन सा टेस्ट करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। तो चलिए हम बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट होता कैसा है, आज बात को हर कंसेप्ट में आप से देखिए चलते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट की हम बात कर सकते हैं आपसे। तो होता क्या है कि सबसे पहले टीचर हमें एल्कोहल देता है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल। आप जैसे आप और हम सभी लोग इस प्रांत से हो चाहे बाहर के प्रांत से हो, सभी आर्यज को एल्कोहल ही कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्यज तथा एल्कोहल है, हमें क्या करना है, हमें जैसे टीचर ने एल्कोहल दिया, उस एल्कोहल को सबसे पहले क्रम बाई क्रम ध्यान देना, सबसे पहले उस एल्कोहल में हमने हाइड्रोजन आयोडाइड का मिश्रण डाला, जो लाल फास्फोरस और आयोडीन की आपस में क्रिया से बनता है, HI लाल फास्फोरस और आयोडीन की आपस में क्रिया से बनता है। तो हमें जो टीचर एल्कोहल देगा, उस एल्कोहल में हम सबसे पहले HI डालेंगे, इसके बाद उसमें हम डालेंगे क्या, AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, दिख रहा होगा आपको। फिर डालेंगे हम HNO2 अर्थात नाइट्रस, इसके बाद किसी क्षार से क्रिया कराएंगे अर्थात NaOH। क्रिया कराने के बाद, बात को ध्यान समझना, क्रिया कराने के बाद यदि लाल रंग आया, कौन सा रंग, लाल, तो समझ जाना वह प्राथमिक एल्कोहल है, और यदि नीला रंग आया तो वह सेकेंडरी एल्कोहल है, और यदि कोई कलर ही ना आए अर्थात रंग ही रहे तो 3 डिग्री एल्कोहल है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि एल्कोहल की सबसे पहले HI से क्रिया कराएं, AgNO2 से, फिर HNO2 से, फिर NaOH से, और जिस एल्कोहल की क्रिया आप कराएंगे इन सभी चरणों से होती गुजरेगी, और यदि लाल रंग आ गया तो वह प्राइमरी, नीला रंग आया तो वह सेकेंडरी, और रंग ही नहीं आया, कलर लेस रहा, तो समझ जाना टर्शियरी एल्कोहल है, तृतीय एल्कोहल है। चलिए हम क्रम बाई क्रम से बात करते हैं संकर के आधार पर, इतनी तो बात आपको समझ में आई। हम संकर के आधार पर बात करते, जैसे कि हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया, प्राइमरी एल्कोहल को आप लोग अच्छे से जानते हो, ऐसा एल्कोहल जिनका सामान्य सूत्र CH2OH, पहले वीडियो के लेक्चर में पढ़ाया था, हमने लिए यहाँ पर दिख रहा हूँ आपको CH2, इसकी एक बैलेंस के साथ हमने मेथिल ग्रुप लिया, जिसे हम और आप सभी लोग
इथाइल एल्कोहल कहते हैं। इस एथाइल एल्कोहल की सबसे पहली क्रिया हम एच आई से कराएंगे। हमने कहा एल्कोहल की एच आई सी करिए, तो हमें एल्कोहल दिया और एच आई सी दिया। तो होता क्या है आपको जानिए, जी ओ एच इधर से कैसे क्रिया करेगा, जो इसको पानी में डाल दिया उसने, अब आई जो है ना उसी के साथ जुड़ जाएगा था सी एच सी सी एच सी आई, जिसे हम बोलते हैं एथाइल आयोडाइड। अब जब एथाइल आयोडाइड की क्रिया हो जाएगी, इसके बाद क्रिया होगी ए जी एन ओ टू, इसकी होगी ए जी एन ओ टू, ए जी और आई आपस में क्रिया कर लेंगे, हुआ। इसके बाद सेल्फी सेल्फी से क्रिया कराएंगे तो सी एच थ्री सी एच टू एंड टू एथाइल नाइट्राइड। अब इसकी क्रिया अब क्या बचा हमारा, नाइट्रस अम्ल, क्या बचा नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराने से पहले आप इतना ध्यान दें हमारी बात को अच्छे से, जो आपका एच एन ओ टू है इसकी एक मत कर, चलिए हम यहाँ बात कर चुके थे। तो अब क्या बना ए जी आई निकल गया, ए जी आई हो गया, अब बचा क्या सी एच थ्री सी एच टू एन ओ टू, जिसे एथिल नाइट्राइड कह सकते हैं या नाइट्रो एथिल कह सकते हैं। अब हमारी क्रिया किससे हुई है, एच एन ओ टू से अर्थात नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल के लिए हम बात कर रहे थे, इसकी संरचना को हम ऐसा लिखते हैं एच ओ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड नाइट्रस अम्ल। इस नाइट्रस अम्ल की इस रूप में क्रिया होती है, अर्थात हम लिखेंगे एच ओ सिंगल बॉन्ड एंड डबल नाइट्रस अम्ल, बस समझ गए। अब होगा क्या कि यही क्रिया करेगा या यही क्रिया करेगा, दो में से अगर यही क्रिया तब करेगा जब एक अल्फा कार्बन, और यही क्रिया तब करेगा जब दो अल्फा कार्बन, यही क्रिया तब करेगा जब एक अल्फा कार्बन, यही क्रिया तब करेगा जब दो अल्फा कार्बन, इस बात का। तो जैसे हम इसकी क्रिया इस नाइट्राइड की क्रिया से करा रहे हैं, तो फिर क्या एक क्रियात्मक समूह तो बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा, क्रियात्मक समूह बगल वाला क्या अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, इसके बगल वाला गामा, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन कितने हैं, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितनी दो हाइड्रोजन है, तो कौन क्लियर है एक ये सबसे लास्ट जो हमें ये तब क्लियर है जब दो एक अल्फा हो, और यह तब क्लियर है जब दो अल्फा हो, तो यहाँ कितने अल्फा लग रहा है दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही क्लियर करेगा यही क्लियर करेगा। तो आपको पता है एच टू ओ निकलेगा। अब देखिए क्या बचा है यहाँ लिखकर यहाँ लिख रहा हूँ सी एच थ्री बचा, इधर बचा सी और सिंगल बॉन्ड एन ओ टू यही बचा ना, और क्या होगा इधर से टूटा तो डबल बॉन्ड एन ओ एच, इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड नाइट्रोलिक अम्ल नाइट्रोलिक एसिड। अब इसकी बात किसे किससे हुई है एन ओ एच से, एन ओ एच। तो देखो ये तो अम्ल है और ये क्षार है, ये अम्ल है ये क्षार है, और क्षार अम्ल क्रिया क्या करते हैं आपस में आपको पता है, क्षार अपना ओ एच देगा अम्ल अपना एच देगा, हो गया एच टू ओ। अब जो भी ऊपर बचा सी एच थ्री सी एन ओ टू डबल बॉन्ड एन और सिंगल बॉन्ड ओ एन ए, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रोलेट। इस जो सोडियम नाइट्रोलेट बनता है इसका कलर होता है कैसा, लाल, इसलिए है प्राथमिक एल्कोहल होता है। रिएक्शन समझ में आएगी ऐसा लगता है मुझे, अगर नहीं समझ कर बार बार बात करूंगा मैं कि एथिल एल्कोहल क्रिया जल्दी से इससे किसी के एच आई से कराएंगे तो ओ एच चला जाएगा, इससे ए जी एन ओ टू से होगी तो आई डी आई चला जाएगा, फिर तो एथिल एल्कोहल फिर क्रिया होगी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से क्रिया करेगा एच एन ओ टू एच ओ सिंगल वन एन डबल वन टू नाइट्रोजन, यह क्रिया तब करेगा जब दो एक अल्फा हाइड्रोजन हो, यह क्रिया तब करेगा जब दो अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हमने देखा कि क्रियात्मक से बगल में अल्फा कार्बन तो दो हाइड्रोजन है अर्थात यही क्रिया करेगा अर्थात एच ओ से प्रकार हो गया, ये कहलाता है नाइट्रोलिक अम्ल। अब नाइट्रोजन क्या क्रिया हुई क्षार से, तो क्षार ये है कि अम्ल तो इसका एच इसका हुआ जल का क्रिया, इसका कारण होता है लाल, इसी का होता है प्राथमिक, बताइए समझ में आया ठीक। इसको आप लिख लीजिए मैं द्वितीय कार्बन को समझाता हूँ। चलिए
अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, द्वितीयक एल्कोहल, अगर द्वितीयक एल्कोहल में हम बात करें तो द्वितीयक एल्कोहल जैसे क्या होता है, ऐसा CHOH जिनका सामान हो CHOH। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। इसकी क्रिया किससे, एच आई सी, किससे होनी है, एच आई सी, फिर चलो यह है गया एच टू, जोड़ दीजिए सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच आई, इसकी क्रिया पर किससे, ए जी एन ओ टू, तो होना क्या है आपको पता है, यह है आई, यह जी, तो ए जी आई, अब फिर क्या होगा सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच एन ओ टू, हो गया भैया। अब इसके बाद नाइट्रोसम, तो नाइट्रोसम को आप जानते अच्छे से एच ओ ओ एन डबल वन, फिर क्या समझेगी, अब देखो ये क्रियात्मक समूह, तो बगल वाला कार्बन अल्फा, तो भाई साहब अल्फा के पास कितना हाइड्रोजन, ओनली वन, तो कौन करेगा ये, करेगा कि ये अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन, तो एक ये करेगा, ये भाई साहब ये करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो चाहिए टू, इसको चाहिए, तो एक तो इसके पास जाएगा, तो जाएगा ये एच टू, अच्छा क्या करो सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एन ओ टू, अब अच्छा वो चला गया अपना सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सेम कंडीशन बना है, उसके साथ एन ओ एच था पहले, अब बना ओनली एन ओ, अर्थात अम्ल तो ए भी है बट झूठा है, स्यूडो है, इसी को बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, एच एन नहीं है बाकी सेम है, अब इसकी क्रिया होती है NOH, लेकिन इसके पास सर एच ही नहीं है, और यह क्रिया करेगा तो क्रिया क्या होगी, होगी नहीं, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया होने दिया गई, यदि तब हाइड्रोजन नहीं है और जब OH है तो क्रिया नहीं होगी, अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं नो रिएक्शन, और नो रिएक्शन आने के बाद जैसे ही डाला जाता है तो यह नीला रंग आता है, कौन सा रंग आता है, नीला रंग, इसलिए कहते हैं इसको लिख लीजिए, तृतीय एल्कोहल की बात करता हूँ, ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को, हाँ अगली बात करें हम तृतीय एल्कोहल की, तृतीय की यदि बात करें तो आप जानते हैं ऐसा एल्कोहल जिनका सामान सी ओ एच, एक दो तीन बैलेंस सी एच थ्री, सी एच थ्री और सी एच थ्री, इसी के लिए एच आई सी, होना क्या है यह ओ एच ए है, जल निकल गया, तो देखो सी एच थ्री, सी एच थ्री और एक सी एच थ्री, एक दो तीन सी आई बन गया, इसे बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल टर्शियरी एल्कोहल, अब इसी क्रिया किससे हुई, इससे हो गई अब से सहा से जी हो गई एनओ टू, बताओ ए जी आई बाहर निकल जाएगा, अब जो सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री, एक बैलेंस दो बैलेंस तीन और सी एन ओ टू, अब इसी क्रिया किससे हुई नाइट्रोजन से, तो आपको पता है नाइट्रोजन एच ओ एन ओ टू अकराई से लिया, ये क्रियात्मक समूह तो ये पता, अरे अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्रिया ना दे कर पाएगा ना ही कर पाएगा, अर्थात अभिक्रिया नो होगी ही नहीं, जब अभिक्रिया नहीं होगी इसका कलर जो आता है वो आता है रंग ही, अर्थात कलर ही नहीं आता, इसलिए तृतीय रिएक्शन इस प्रकार होगी अपनी, तो मैंने आपको विक्टर मैन टेस्ट बताया, विक्टर मैन टेस्ट करना कैसा है, होता क्या है, इसकी तीनों प्राथमिक रिएक्शन की संख्या कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम लुईकॉस अभिकर्मक पर, लुईकॉस टेस्ट पर, ठीक है, इन सबको मिल रहा है, वीडियो पॉज कर लिखने का अंतर, चिल होकर, चिल होकर आराम से लिख लिया, ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइम का, देखकर चलिए आइए हम बात करते हैं ल्यूकास टेस्ट,
ल्यूकोस टेस्ट, ठीक, ल्यूकोस टेस्ट को कहते हैं। यही आपका एक प्रकार का एल्कोहलिक टेस्ट है। एल्कोहल भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल को समझाता है, बताता है, एक प्रकार का टेस्ट ही है जो आपको पता है। अब ऐसा होता क्या है इसमें, तो आपको क्यों बता दें, मैंने कहा था निर्जल जेरेंसियल टू वा सांद्र SCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। मैंने ये कहा कि निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक। दूसरी बात, यह जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है यह प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करता है। कौन ल्यूकास अभिकर्मक, मैं जैसे आपको बता दूं, ये आपका मैंने कहा ये निर्जल जेरन शेड और कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेट एससीएल, इसका और इसका मिश्रण क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, ये एल्कोहल निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl इन दोनों के मिश्रण को ही ल्यूकास अभिकर्मक, इसलिए मैंने कहा निर्जल जेरेंसियल और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक। और यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों से भिन्न भिन्न गति से क्रिया करता है, ठीक। इसमें होता है कि टर्शियरी एल्कोहल सबसे अधिक रिएक्ट करता है, सेकेंडरी एल्कोहल उससे कम देता है और प्राइमरी एल्कोहल उससे और कम देता है। ये क्या है का एल्कोहल, मैंने यही कहा कि एल्कोहल गृहणा अभिकर्मक से क्रिया कर एल्किल हैलाइड बनाता है जो विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों से विभिन्न प्रकार की गति से क्रिया करता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक परक नली है, इस परक नली में हमने क्या किया ल्यूकास रिजेक्ट भरा, ल्यूकास का मतलब ल्यूकास अभिकर्मक बन गया है, एला कैसे बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, और ल्यूकास रिएजेंट हमने इसके अंदर भरा, ठीक है। अब इसमें जैसे ही हमने एल्कोहल डाला, जैसे ही हमने इसके ऊपर एल्कोहल पुटअप किया, तो पुटअप जैसे ही किया तो हुआ क्या कि तुरंत धूम्र उत्पन्न होता है। जैसे ही हमने एल्कोहल डाला तो तुरंत धूम्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही हम एल्कोहल डालेंगे और धूम्र तो तुरंत उत्पन्न होगा, तो समझ जाना वो टर्शियरी एल्कोहल है। थोड़ी देर बाद अर्थात 5 मिनट के बाद आए तो समझ जाना वो सेकेंडरी एल्कोहल है, और डालने के बाद थोड़ी देर बाद भी कोई परिणाम नहीं आता है, और परिणाम गर्म करने पर ही आता है, तो समझ जाना प्राइमरी है, ठीक है। क्योंकि टर्शियरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी ल्यूकास अभिकर्मक के लिए अधिक होती है, सेकेंडरी को थोड़ी कम और प्राइमरी की सबसे कम होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, चाहे जहाँ भी देख लेंगे आपको ऐसा नहीं, ठीक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक है, मैं कहता हूँ निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल से क्रिया कर एल्किल हैलाइड देते हैं, जो भिन्न भिन्न एल्कोहलों से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिया से गति देते हैं। यदि हमने एल्कोहल को जैसे ही ल्यूकास में डाला और तुरंत धूम्र उत्पन्न हुआ टर्शियरी, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद उत्पन्न हुआ है, थोड़ी देर बाद उत्पन्न हुआ सेकेंडरी, और उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, गर्म करने पर हो रहा है, तो हमारी प्राइमरी बीमारी है। तो ये था आपका ल्यूकास टेस्ट। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि
जो लेक्चर छठवा आपका था एल्कोहल का, वो एल्कोहल की मैं ये आपको पता नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि छोटा सा टॉपिक आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो विक्टर का कच्छप था विक्टर का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके लेक्चर कंप्लीट हुआ आपका एल्कोहल वाला, ल्यूकास टेस्ट और विक्टर टेस्ट। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएं, और सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। इस यही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे, तो हमारा ही आपका योगदान हमारे लिए बहुत ही सर्वोपरि होगा। तो ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, विचार करिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। धन्यवाद।